नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। एक किताब है जिसका नाम है द कॉन्वर्सेशन विद द सोल। इस किताब में कुछ लोगों ने, जिनको ऑटोमेटिक राइटिंग का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने बहुत सारी कुछ आत्माओं के साथ कॉन्वर्सेशन किया, उनके साथ कुछ बातचीत की, उनको बहुत सारे सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब उन्होंने जिस तरीके से दिए हैं दोस्तों, तो उनको जो जवाब मिले वो जवाब या फिर वो जो मतलब संभाषण हुआ उनका, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चेतावनी या फिर एक नम्र विनती देना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी खुद से ऑटोमेटिक राइटिंग का इस्तेमाल ना करिए, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। जो अधिकृत व्यक्ति है, जिनको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वही वो करे। ये छोटी सी चीज़ होती है ऑटोमेटिक राइटिंग, कोई बड़ी बात नहीं है करना, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है ये करना, लेकिन इसका परिणाम जो है वो कभी कभी बहुत बुरा होता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नम्र विनती है आपसे मैं कि आप खुद से प्रयास ना करें। जो जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हम उनसे मतलब पूछे ये सवाल तो अच्छा होगा, क्योंकि मतलब जितनी ये सिंपल चीज़ दिखती है उतनी नहीं होती। तो इन्होंने जो उन पर मतलब जो भी उनका जो पहला केस था दोस्तों, तो उन्होंने उससे जो भी इंफॉर्मेशन ली उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। एक इंसान को, एक इंसान के सोल को उन्होंने दोस्तों आकर्षित किया था। मतलब क्या होता है कि ये कभी कभी उन्होंने ये कहा है कि उनको लोगों को ये सारी बातें बतानी थी और उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना था लोगों को कि असली जीवन क्या होता है। तो इसके बारे में, इस वजह से उन्होंने कुछ आत्माओं को कहा कि आप मतलब कोई हमें अगर मदद कर सकता है तो हमारे पास आ जाए। तब उस वक्त एक सोल आई थी दोस्तों और उसने उनके साथ बातचीत की थी। सबसे पहले इन्होंने उनसे ये पूछा कि आपका मतलब नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि मेरा पृथ्वी पर जो नाम था वो था दीपक। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपकी जो डेथ है, आपकी मृत्यु कब हुई, तो उन्होंने कहा कि 1949 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में उनको ये पूछा गया कि आपकी मृत्यु कब हो गई, कैसे हो गई थी, तब उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। इसके बाद का जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने ये कहा कि आप किस उम्र में इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने कहा कि 65 उम्र में। तो उन्होंने ये पूछा कि आपका जाना तय था क्या 65 उम्र में, तो उसने कहा नहीं, मेरा जाना नहीं तय था, मुझे जाना पड़ा उस उम्र में। ये उन्होंने क्यों कहा, तो इन्होंने यही पूछा कि वो आपको क्यों जाना पड़ा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं, मुझे शराब की लत लगी थी, इससे मतलब मेरा शरीर का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था, प्लस मैं लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहा था। मेरी जो ठीक ठाक आर्थिक परिस्थिति थी इसमें मैं गरीब लोगों को ज़रा भी कीमत नहीं देता था, मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ मतलब उनके साथ उनका बहुत ही बुरा किया ऐसा नहीं, लेकिन उनके साथ बहुत ही बुरे मतलब बुरी तरीके से पेश आता था। तो इन सारी चीज़ों से मेरा जो मार्गदर्शक है वो इन सारी चीज़ों से मतलब कहीं ना कहीं परेशान हो गया, क्योंकि मार्गदर्शक को हमारी जिम्मेदारी दी जाती है। अगर हम मतलब निचले स्तर पे जाने लगे तो कहीं ना कहीं वो फेलियर सिर्फ हमारी आत्मा का नहीं होता, वो हमारे मार्गदर्शक का भी होता है। तो इस वजह से उसके मार्गदर्शक ने उसको जल्दी से बुला लिया था दोस्तों, कहा ताकि इसके हाथों से और पाप ना हो जाए। तो इस ऐसा बहुत कम बार होता है दोस्तों, मैं हमेशा मतलब ऐसा ही होता है ऐसा नहीं, लेकिन इस केस के साथ ऐसा हुआ। उसके बाद जो दीपक जी है उन्होंने ये, उनको ये पूछा गया कि तुम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे किस तरीके से मतलब दुनिया है, तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छी दुनिया है और एक मतलब हम जैसा हमारा स्तर होता है वैसी दुनिया में हम चले जाते हैं। तो तुम, उन्होंने वो ये पूछा कि तुम वहाँ पर शुरुआत में गए तब वातावरण कैसे था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक सुरंग से लेकर वहाँ पे गया, सुरंग से ऐसे, और उसके बाद वो दुनिया वहाँ पर शुरू हुई। तब इनको ये पूछा गया कि तुम्हारा स्तर कौन सा है आत्मा का, तब दीपक जी ने ये कहा कि मेरा जो स्तर है वो चौथा स्तर है। तो इन्होंने वहाँ पे पूछा कि वहाँ पे सुंदर वातावरण होगा ना, तो इन्होंने ये कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, दीपक जी ने उस वक्त ये कहा कि मेरा जो स्थान है वो बहुत ही अच्छा हम नहीं कह सकते, लेकिन उस लोक से ऊपर, चौथे लोक से जो स्तर है उनका, चौथे लोक का, उससे ऊपर जो है वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर वो स्थान है, वो बहुत ही अच्छा स्थान है। इसके बाद दीपक जी को ये पूछा गया कि अगर हम आपको देखें अपने आँखों से तो आप किस तरीके से दिख जाएंगे। जो सोल्स होती है वो हमारे आँखों से नहीं दिखती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रूप का हमें अंदेशा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि एक सूरज के गोले जैसा, एक थोड़ा सा एक ऐसा मैं दिखता हूँ, इस तरीके से मेरा रूप है। तो उन्होंने अपना वर्णन जो किया है वो इस तरीके से किया है। ये जो दीपक जी की कहानी है दोस्तों, ये अभी पूरी नहीं होती, ये इस भाग में मैं आधी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हम कहानी देखने से अच्छा है कि इन सारी चीज़ों से हम क्या सीखें। सबसे पहली बात तो हमारे जो जीवन में हम आते हैं, कहीं ना कहीं आत्मा अच्छा ही लेकर आती है कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, लेकिन जब इस दुनिया में हम आते हैं दोस्तों, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो हमें खींचने वाली चीज़
चीज़ें हैं जिसे हम माया कह सकते हैं, वो हमें इतना निचले स्तर पर लेकर जाती है कि कहीं ना कहीं वो हमारे आत्मा को भी बहुत ज़्यादा दुख देती है। आत्मा भी इन सारी चीज़ों को कभी कभी करना नहीं चाहती, लेकिन हमारा मानवीय जो मन है वो इसमें बहता चला जाता है। तो इस वजह से बहुत बार हमारे मार्गदर्शक जो होते हैं वो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता ये करना कि जल्दी बुरा ला, लेकिन होता है ना कि हम और निचले स्तर पर जाए, उससे अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं मतलब इस दुनिया से ही चले जाए। तो इस वजह से वो जल्दी बुला लेते हैं। तो इस वजह से जो दीपक जी ने कहा है कि जब उनके आत्मा ने मतलब मार्गदर्शक आत्मा ने बुलाया तब उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद के जो सवाल उनको पूछे गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जीवन किस तरीके से जिया जाएगा या फिर जीना जाना चाहिए, ऐसा जब दीपक जी को पूछा तब उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया है, या फिर उनको और भी कुछ सवालों के जवाब पूछे गए थे, जैसे हम पृथ्वी पर अगर हमें इच्छा है मतलब मेरी मृत्यु होने के बाद भी अगर मेरी इच्छा हुई यहाँ पर रहने की तो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा, तो इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों हम अगले आप दीपक जी के अगले भाग में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के इस भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। एक तो हमारे देश की ये बात है, मतलब बाहर की फॉरेन की ये नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेन की भी बातें और आत्मा तो हमेशा एक ही होती है, लेकिन हमारे देश की बातों के हम और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। और ऐसी जो बातें हैं वो एक आम इंसान के जैसी ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बड़ा वो इंसान था, हमारे जैसे वो होंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों यह हमें सिखाते हैं कि जीवन आखिर किस तरीके से जिया जाना चाहिए। तो इनका जो अगला भाग है वो अगले भाग में हम देखेंगे दोस्तों कल के। तो आप ज़रूर दोस्तों आपके जो भी मन में सवाल हो जितना हो सके मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा, या फिर इन सवालों पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन आप दोस्तों एक अच्छी हम ज़िंदगी अगर जिएंगे तो सिर्फ वो मतलब हमें आगे मतलब इतने अच्छे से हम बढ़ सकते हैं, हमारी मार्गदर्शक आत्मा भी उससे खुश हो सकती है। जो भी चुनौतियां है वो बार बार मतलब जितने हमारी चुनौतियां बाकी है उसको पार करके अगर अच्छी ज़िंदगी हमारे सामने वहाँ पर आत्मलोक में ज़रूर आएंगी दोस्तों, तो इसमें हमें विश्वास करके जीवन में आगे बढ़ना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े, इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।